में तुम्हारा हाथ है, तुम उसकी नींव हो, क्योंकि यंगर जनरेशन जो है आने वाली पीढ़ी है और वो किसी भी देश का भाग्य बना या बिगाड़ सकती है। और दूसरा, ये वो जगह है जहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, यानी कि हमारे स्कूल्स, हमारे विद्यालय, हमारी एजुकेशनल संस्थान जो है वो जगह है जहाँ पर देश का, किसी भी देश का फ्यूचर बनाया जाता है शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। और जो हम हैं, यानी जो शिक्षक वर्ग है, वो आपके क्राफ्टमैन हैं, आपके फ्यूचर को बनाने में आपकी सहायता करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। और हमारा मार्गदर्शन हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचर्स ने किया। तो यू आर बेसिकली फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस नेशन, और आप लोगों को हमें इस तरह से डेवलप करने में आपकी हेल्प करनी है, हमारे टीचर्स को करनी है, कि कल जाकर भारत का किसी ना किसी फील्ड में आप क्या करेंगे, किसी ना किसी फील्ड में उसको अग्रसर करेंगे, अग्रगणी करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे, उसका डेवलपमेंट में सहयोग देंगे, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ड्रीम्स को सार्थक करते हुए। सबके अलग अलग ड्रीम्स है ना, लेकिन अगर ऑनेस्टली और ईमानदारी से आप अपना ड्रीम फुलफिल करोगे तो आप अपने नेशन में, उसके फ्यूचर में एक जरा सी रोशनी अपनी तरफ से भरने में अपना योगदान दे दोगे। और बेटा, उसके लिए मैं आज सबसे ज़्यादा जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी इंडिपेंडेंस डे के से रिलेटेड बहुत सारे भी कार्यक्रम होने वाले हैं, तो मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के अंदर इस स्कूल टाइम में अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव थिंकिंग इंस्टॉल करने में, डेवलप करने में, आपके अंदर इम्बाइब करने में कहीं सार्थक हो सके, तो हमारा रोल, हमारा काम सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि ये जो ब्रेन है, दिमाग है और मस्तिष्क है, ये ही सब मास्टर ऑफ द होल बॉडी ये है, और ये हमें सही या गलत रास्ते पर लेकर जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर होगी तो आप कभी किसी गलत दिशा में नहीं जा सकते हैं, और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन, अच्छे इंसान बनकर देश की किसी ना किसी रूप में सेवा करेंगे। और उसके लिए हमारी सरकार ने, जो भी प्रेजेंट सरकार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन्होंने ये इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा कि बच्चों में हर दिन एक पीरियड हैप्पीनेस का होना ज़रूरी है। और उसमें हैप्पीनेस का मतलब है, देखिए अब हर फील्ड में आज के टाइम में बच्चों स्ट्रेस बहुत हो रहा है, जिसे तनाव कहते हैं, टेंशन कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों में आ रहा है। तो इसको अगर स्ट्रेस आता है तो समझ लीजिए, तो कैपेसिटी ऑफ योर माइंड बिकम हाफ, जितनी कैपेसिटी है वो हाफ रह जाएगी। अगर आप फोकस लूज करते हैं और उस तरह स्ट्रेस लेते हैं, तो हमें क्या करना है, हर दिन बस छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि तुम्हें अपना फुल 100% अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपनी पढ़ाई में देना है। और वो देखो, एक एक स्टेप कर कर आगे बढ़ोगे अपने लक्ष्य की तरफ। और अगर किसी बच्चे ने, मैं चाहती हूँ हर बच्चा अचीव करे, लेकिन किसी बच्चे ने भी, एक बच्चे ने भी अचीव करा, तो मैं समझूंगी कि हमारा जो है योगदान है कहीं ना कहीं देश के विकास में, उन्नति में। तो फोकस लूज करना नहीं है, फोकस बनाए रखना है। बनाए कैसे रखेंगे? 5 मिनट से स्टार्ट करेंगे आप अपने दिन में, 5 मिनट से शुरू करिए, जिसमें आपकी हेल्प टीचर करेंगे अपने में। सबके पास, टीचर्स के पास हम शेयर कर देंगे जो एक्टिविटी, जो करिकुलम हमें मिला है हैप्पीनेस का, माइंडफुलनेस का। अपने हर दिन में ना 5 मिनट्स गिव के सारे नेगेटिव थॉट्स को निकालना है और फिल करना है पॉजिटिव थिंकिंग से अपने माइंड को, अच्छे विचारों से।